नमस्कार, अब हम कक्षा सात के थर्ड लैंग्वेज हिंदी पाठ्यक्रम में से पाठ दो अनोखा उपहार इस पाठ से संबंधित एक वाक्यांश करते हैं। प्रश्न एक, उपहार के साथ क्या जुड़ी होती है? उपहार देने वाले की भावनाएं उपहार के साथ जुड़ी होती है। आइए लिखते हैं। उपहार देने वाले की भावनाएं उपहार के साथ जुड़ी होती है। उपहार यानी कि भेंट या गिफ्ट। जब हम किसी को उपहार या भेंट दे रहे हैं, शुभकामनाओं के साथ हम उपहार देते हैं, तो हमारे दिल में ये शुभकामनाओं की भावनाओं के साथ हम ये गिफ्ट देते हैं। ओके, तो उपहार देने वाले की भावनाएं फीलिंग्स उपहार के साथ जुड़ी होती है। प्रश्न दो, राघव का जन्मदिन कब है? जन्मदिन का मतलब है बर्थडे। रविवार के दिन राघव का जन्मदिन है। रविवार के दिन, रविवार यानी कि संडे है। रविवार को राघव का जन्मदिन है। प्रश्न तीन, अनुपम के दोस्त राघव को कैसे उपहार देने के लिए सोच रहे हैं? उपहार यानी कि भेंट, ये हमने जाना है। अनुपम के दोस्त सोच रहे हैं राघव के जन्मदिन पर एक कीमती उपहार देने के लिए सोच रहे हैं। कीमती कैसे उपहार? कीमती उपहार, कीमती का मतलब क्या है? कॉस्टली, ज्यादा रुपया डालकर एक मूल्य जिसे अधिक हो, ऐसे कीमती उपहार देने के लिए राघव के दोस्त अनुपम के दोस्त राघव के लिए देने के लिए सोच रहे हैं। प्रश्न चार, गमले पर फूल और पत्तियां किसने बनाई? गमले पर फूल और पत्तियां किसने बनाई? अनुपम की माँ ने। अनुपम की माँ ने बनाई। अनुपम एक पौधे को उपहार के रूप में देने के लिए, राघव को उपहार के रूप में देने के लिए सोच रहा है, तो उस पौधे के गमले पर अनुपम की माँ ने फूल और पत्तियां बनाकर इसे सजाई। प्रश्न पांच, स्त संयुक्त व्यंजन युक्त एक शब्द लिखिए। स्त से हम दोस्त बना सकते हैं, और हस्त आधा स और पूरा ता, स्त बन गया है। स्त से हम दोस्त हस्त, ये दोनों शब्द लिख सकते हैं। छः, न्या आधा न य, न्या संयुक्त व्यंजन युक्त एक शब्द लिखिए। न्याय, न्याय लिख सकते हैं, और धन्यवाद भी एक और शब्द है। धन्यवाद, न्याय यानी कि जस्टिस, धन्यवाद थैंक्स। आधाना या न्याय धन्यवाद, ध आधाना या वा द
धन्यवाद, ये दोनों शब्दों में न्य संयुक्त व्यंजन है। प्रश्न सात, जल्दी शब्द का विलोम शब्द लिखिए। जल्दी शब्द का विलोम शब्द है देर। जल्दी फास्ट, देर लेट से, विलंब से करना लेट, देर। जल्दी का विलोम शब्द देर है। प्रश्न आठ, उदास शब्द का विलोम शब्द लिखिए। उदास यानी कि सैड। प्रसन्न, उदास शब्द का ऑपोजिट वर्ड है प्रसन्न, हैप्पी। उदास प्रसन्न, प्लेजेंट। इसके साथ इस वर्कशीट समाप्त होता है। नमस्कार।